बाबर, इसके साथ ही एक जुड़ी हुई और चीज़ है, जैसे आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप है, पाकिस्तान ने एक टेस्ट मैच उसका भी खेलना है और वो कोविड-19 की वजह से पोस्टपोन हुआ है। अब कई ऐसी टीमें हैं जिनको हम देखते हैं, खासतौर पर बांग्लादेश है, उसकी 2-3 सीरीज जो हैं वो हो चुकी हैं, मुलतवी हो चुकी हैं कोविड-19 की वजह से। तो आप क्या चाहेंगे कि ये आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप जिसका अगले साल जो फाइनल होना है, इसको चाहिए आईसीसी को कि इसको एक्सटेंड कर दे, थोड़ा सा आगे बढ़ा दे, ताकि जब सूरत हाल क्लियर हो और सब टीमों को यकसा मौका मिले, ये ना हो कि जी कुछ टीमों की सीरीज़ जो है वो मुलतवी हो चुकी हुई हैं और कुछ खेले चली जा रही हैं। तो आप क्या समझते हैं कि इसको एक्सटेंड कर देना चाहिए आईसीसी टेस्ट चैम्पियनशिप को? बिल्कुल जी, ये देखें कोविड-19 की वजह से काफ़ी नुकसान हुआ क्रिकेट को भी, और मेरे ख्याल से ये अगर आगे चले जाए तो सब टीमों के लिए अच्छा होगा, क्योंकि सब टीमों को इक्वली मौका मिलेगा परफॉर्मेंस करने का और मैचेस खेलने का। बाबर, आपकी बैटिंग की तो हर कोई तारीफ़ करता है और ज़ाहिर है नेट पे तो आपको वेरिएशन का मिलता होगा, सामना करना पड़ता है, तो नेट पर आपको कौन सा बॉलर जो है वो ज़्यादा, मौजूदा बॉलरों की मैं बात कर रहा हूँ, कौन सा बॉलर जो है वो ज़्यादा डिस्टर्ब करता है? आपने तो दुनिया के बड़े बड़े बॉलरों को खेला हुआ है, लेकिन जब आप नेट प्रैक्टिस कर रहे होते हैं तो पाकिस्तान का कौन सा बॉलर करता है? और इसी के साथ अगर माजी के किसी बॉलर का अगर नाम लेना चाहें आप, तो अगर वो उनमें से किसका नेट पर अगर आपको उनका सामना करना पड़ता तो आपको दुश्वारी होती है? देखिए जी, जो करंट जो प्लेयर्स हैं उनमें से नसीम शाह है, शहीन शाह है, अब्बास हैं, जिनको मुझे नेट में खेलने का थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है। और अगर आप पुराने क्रिकेटरों में से पूछें तो मैं शुएब अख्तर को और वसीम भाई को खेलना की ख्वाहिश थी मेरी, कि वो जो अपने पीक टाइम पे थे तो मैं वो उस टाइम पे खेलता, और मैं वहाँ पे अगर खेलना चाहता तो कैसे मैं उनको खेलता। चलिए, अपने बॉलर तो आपने बता दिए, नौजवान बॉलरों का नाम भी लिया, लेजेंड बॉलर्स का भी नाम ले दिया, तो जब आपने ऑस्ट्रेलिया में अच्छी इनिंग्स खेली थी, वहाँ पर टॉप 3 जो बैट बॉलर हैं, पैट कमिंस, मिचेल स्टार्क और जोश हेज़लवुड, जब उनका मुकाबला किया था और उनके ख़िलाफ़ आपने बड़ी अच्छी इनिंग्स भी खेली थी, तो उनका मुकाबला करके जब इतना बड़ा क्राउड भी आपको देख रहा, तो उससे कितना एतमाद मिला आपको अपनी बैटिंग के हवाले से? देखें जी, आप वन ऑफ द बेस्ट बॉलर हैं उनके, और हेज़लवुड हैं, स्टार्क है, तो ये देखें टॉप बॉलर्स में आता है। पैट कमिंग्स हैं, नंबर 1 बॉलर हैं, तो देखें उनके अगेंस्ट आप खेलते हैं, उनके अगेंस्ट आप परफॉर्मेंस करते हैं, तो वो काफ़ी कॉन्फिडेंस आता है, और अच्छी बॉलिंग के अगेंस्ट आप जब भी खेलते हैं तो उस वो कॉन्फिडेंस ही नेक्स्ट लेवल का होता है। जी डेफिनेटली, उन बॉलर्स का तो नाम तो है ही, उनके खिलाफ अगर बैट्समैन खेलेगा तो वो उसकी क्लास तो कोई अलग ही होगी, और इसी क्लास की वजह से आपका बड़े बड़े बैट्समैनों के साथ नाम लिया जाता है। तो कैसा लगता है जब आप 2 या 3 जो टॉप के इस वक्त बैट्समैन हैं उनके साथ जब आपका नाम आता है, और उनके जब आपका नाम नहीं आता तो वो वाले 2-3 नाम मुकम्मल ही नहीं होते, वो फिक्रा भी मुकम्मल नहीं होता जब बाबर आजम का नाम ना आए? सर, इस चीज़ को मैं पॉजिटिव लेता हूँ, प्राउड तो बिल्कुल फील करता हूँ कि यार इतने बड़े प्लेयरों के साथ मुझे कंपैरिजन किया जाता है टॉप 5 प्लेयर्स में, तो ये काफ़ी मेरे लिए प्राउड की बात है, और कॉन्फिडेंस आता है मुझे इस चीज़ से कि यार मैंने जो परफॉर्मेंसेस दी हैं उससे उसका क्रेडिट मुझे ये मिलता है कि वो टॉप 5 प्लेयर्स के साथ मुझे कंपैरिजन करते हैं, तो इसी कॉन्फिडेंस को लेके मैं आगे चलता हूँ कि मैं मज़ीद इसको और अच्छा करूँ और अच्छी परफॉर्मेंस दूँ।